सो हे गाइज, वेलकम बैक टू रविंद्र नागर आर्ट गैलरी, और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम कोई ड्राइंग करने जा रहे हैं, ना कोई पेंटिंग। बेसिकली आज हम आपको दिखाएंगे कि अभी रिसेंटली मैंने जो आर्ट सप्लाई की शॉपिंग करी थी या आर्ट स्टेशनरी की शॉपिंग करी थी, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये सारी शॉपिंग जो है मैंने खालसा ब्रदर, जो कि काफ़ी फेमस शॉप है आर्ट वालों के लिए, वहाँ से परचेस करी थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी थी, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये एक्रेलिक पेंट्स है, जिसके अंदर 12 शेड्स आती है, ये मैंने खरीदा था। और दोस्तों, इनके अंदर ट्यूब्स होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एक आर्टिस्ट के लिए। बेसिकली इनके अंदर अगर ये लॉन्ग टर्म चल जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई कलर यूज़ करना है तो आप इसमें से थोड़ा सा निकाल कर बाकी को रख सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल वाले कलर्स आते हैं फेविक्रिल के, वो काफ़ी पतले भी होते हैं, तो बहुत जल्दी वो सूख जाते हैं। और इनका जो कलर क्वालिटी है, ये भी थोड़ी बेटर होती है। तो पहली चीज़ थी एक्रेलिक पेंट्स 12 शेड्स, ये समथिंग मुझे 600 के करीब कुछ का पड़ा था, क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट वहाँ से मुझे मिला था, और बल्कि मुझे लग रहा है कि 580 के समथिंग ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मेरी जो लिस्ट थी वो मुझसे खो गई है। दोस्तों, फिर इसी तरह से मैंने ये दो और खरीदे थे अलग से। ये ट्यूब मैंने बर्न सीएनए की खरीदी थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एक आर्टिस्ट के लिए, बर्न सीएनए काफ़ी यूज़ होता है। प्लस व्हाइट कलर का वाटर कलर ट्यूब मैंने एक अलग से खरीदी थी, क्योंकि व्हाइट कलर की तो जितना भी खरीद लो उतना ही कम है एक आर्टिस्ट के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा मैंने ये स्टैडलर की पेंसिल खरीदी थी, इसके अंदर 48 शेड्स हमारे पास है, और ये क्या है, दो कलर के दो इसके अंदर बॉक्सेस है अलग अलग, तो 24 शेड्स पर बॉक्स है। और ये स्टैडलर मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था, तो अब फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारी क्या क्वालिटी आती है कोई भी आर्ट वर्क में। और ये दोस्तों मुझे 900 समथिंग में पड़ा था। और दोस्तों, इसके बाद मैंने ये फिक्सेटिव खरीदा। कोई भी आप चारकोल पेंटिंग करते हो, पेंसिल ग्रेफाइट आर्टवर्क करते हो, तो वो हाथ से लगकर ख़राब हो जाता है, तो उनको फिक्स करने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। आपको इसको स्प्रे कर देना है, और फिर आपका वो लॉन्ग लास्टिंग सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और ये मेरे को अराउंड 300 समथिंग का मुझे ये पड़ा। और दोस्तों, फिर मैंने ये एक चीज़ खरीदी, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर बहुत सारी पेंसिल्स हैं, ग्रेफाइट पेंसिल्स है, चारकोल पेंसिल्स है, यहाँ पे ब्लेंडर्स है, नाइफ है, एक्सटेंडर है, और ये इरेजर है। और इरेजर में दो इरेजर है, एक नॉर्मल वाली और एक ये वाली है, जिसको आप किसी भी शेप में देख के और फिर इरेज कर सकते हो। तो ये भी मैं काफ़ी, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, फर्स्ट टाइम हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और इसके बाद दोस्तों, मैंने बहुत सारी और चीज़ें खरीदी। और दोस्तों, ऐसे ही मैंने ये 12 शेड का वाटर कलर ट्यूब्स भी खरीदा है कैमल का। एक्चुअली ये मैंने अभी यूज़ नहीं करा है, तो अभी ओपन नहीं करा, ये भी ट्यूब्स वाले कलर है। और ये भी मुझे अराउंड आई थिंक 815 का प्राइस है, बट मुझे ये शायद 800 समथिंग में मुझे कुछ पड़ेगी। इनको भी जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे और वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल पर। और फिर एक ये प्रोडक्ट था दोस्तों, और इसी तरह से मैं आप लोगों को और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा। तो ये मैंने मोनो इरेजर खरीदी थी, ये क्या है, ड्राइंग जब भी आप कोई बनाते हो, तो अगर आप लोगों को हाइलाइट्स देनी है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उसको आप, मतलब काफ़ी पतली इसकी निप होती है, तो उसी अकॉर्डिंग आप शेड कर सकते हो, या फिर कहीं पर हाइलाइट्स देना है वो कर सकते हो। ये मुझे 400 समथिंग में पड़ी थी। और इसी के अलावा दोस्तों, मैंने ये वाली पेंसिल खरीदी थी चारकोल वाइट, बट इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, बट इसको भी हम लोग जल्दी यूज़ करेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे कैनवस बोर्ड्स भी खरीदे थे, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैंने 8x8 के ये दो कैनवस खरीदे हैं, जो कि मुझे अराउंड 70 समथिंग के पड़े पर पीस। और फिर मैंने ये रेक्टेंगल में खरीदे हैं 3 पीस, ये मुझे अराउंड 55 और 50 रुपीज़ का पर पीस मिला। मेरे को एक्चुअली प्राइस इसलिए याद नहीं है कि जो मेरी लिस्ट थी बिल वाली, वो मेरे से कहीं खो गई, बट मैं, मुझे हल्का हल्का जो याद है उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। दोस्तों, 4 मैंने ये वाले कैनवस खरीदे हैं स्क्वायर में, तो इन पे भी हम जल्दी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे मस्त सा। ये मैंने MDF बोर्ड्स खरीदे हैं, तो ये मैंने राउंड शेप के खरीदे थे, और ये मैंने 2 स्क्वायर लिए थे, तो इनको भी, इन पे भी कुछ बढ़िया सा आर्टवर्क बनाएंगे। और 4 कैनवास मिनी खरीदे थे मैंने, ये छोटे वाले जो है
स्क्वायर शेप में, और इसी तरह से चार मैंने ये राउंड वाले खरीदे हैं, तो ये समथिंग 50 rupees पर पीस मुझे मिला है, और जो ये स्क्वायर वाला है ये शायद और भी कम का है, 25 rupees पर पीस। और दोस्तों ये चार थोड़े बड़े वाले हैं, ये भी इनका प्राइस मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, आई गेस दिस इज फॉर समथिंग अराउंड 60 rupees पर पीस। और इसके अलावा दोस्तों ये मैंने ओवल शेप के दो खरीदे थे कैनवस, ये भी काफ़ी अच्छे मुझे लगे, बट ये मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे क्योंकि 135 पर पीस है, जबकि इनका साइज उतना बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने ये कलर प्लेट खरीदी थी जो कि मैंने ऑलरेडी यूज भी कर ली है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कॉलम्स हैं, आप बहुत सारे कलर्स मिक्स करके बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी मेरी शॉपिंग थी जो अभी मैंने रिसेंटली करी है, और ये टोटल मुझे अराउंड 5-6K टोटल शॉपिंग के अराउंड मतलब हुआ। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने कलर्स खरीदे नहीं थे, और आर्टिस्टों के लिए कलर्स या कोई भी आर्ट स्टेशनरी या फिर हम बोल सकते हैं आर्ट सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने ये ग्लास शीट जो कि एक्रेलिक शीट्स होती है वो खरीदी है, और इनके आर्ट वर्क्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं, रीसेंट शॉर्ट्स अगर आप लोग जाकर देखोगे तो मैंने बहुत सारे क्रिएट करे हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली हनुमान जी की ये वाली पेंटिंग बनाई थी ग्लास शीट पे, तो आई होप आप लोगों को ये वाली शॉर्ट पसंद आई होगी, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर मेरी पुरानी शॉर्ट्स में अभी देख सकते हैं, अभी रिसेंटली अपलोड करी है विद इन दिस वीक। और दोस्तों इसके अलावा मैंने एक ये वाली पेंटिंग बनाई थी ग्लास पे ही, एक ये वाली बनाई थी, और दोस्तों ये अभी रिसेंटली सनसेट कपल सीनरी पेंटिंग मैंने बनाई थी। तो दोस्तों ये सब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सब मेरा वो आर्ट वर्क है जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज करा है, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो मेरे पुराने आर्ट सप्लाईज है वो आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे बहुत सारे ब्रशेज हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपने आर्ट वर्क्स में, यहाँ पे हर साइज़ का मेरे पास ब्रश है, पतला, फ्लैट, राउंड शेप, और मतलब क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ब्रशेज जितने खरीदो उतने कम है, तो मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज है। और इनके अलावा मेरे पास जो कलर है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये 12 शेड का लक्सर का फाइन आर्ट का पेन्स है, इनमें इंक पेन होते हैं, तो काफ़ी सारी शेड्स इनके अंदर है, ये मैं यूज़ करता हूँ। और ये वाटर कलर केक्स वाला, ये मेरा बहुत पुराना है, आई थिंक दिस इज समवेयर अराउंड 10 years ओल्ड, तो ये काफ़ी पुराना है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास ये जम्बो कलर पेन्स है जो थोड़े ये वाले होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी मैं छोटे छोटे कोई क्विक आर्ट करना है तो उनके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, स्पेशली शॉर्ट्स बनाने के लिए टाइम पर मुझे कोई आर्ट वर्क जल्दी करना है तो मैं इनको यूज़ करता हूँ। ये मेरे सॉफ्ट पेस्टल्स हैं जिनके अंदर 20 शेड्स हैं, और ये मतलब एक तरीके से चौक की तरह होते हैं, इनको हमें पाउडर फॉर्म में करके यूज़ करना होता है, तो ये भी मेरे पास है, इनको भी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। और दोस्तों इसके अलावा मैंने ये वाले अभी डॉम्स के खरीदे थे थोड़े टाइम पहले, इसके अंदर भी 12 शेड्स है, दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, तो 12 शेड्स है और काफी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी है, तो ये भी मुझे काफी पसंद है, काफी टाइम मैं इनको यूज करता हूँ। और दोस्तों इसके अलावा मैंने ये 10 rupees वाले डॉम्स के जो सबसे चीपेस्ट वाटर कलर है वो भी मेरे पास है, इनको भी मैं बहुत बार यूज करता हूँ। ये मैं अभी कोई भी आर्ट वर्क करता हूँ तो ये मैं टेप यूज करता हूँ, इसको डॉक्टर स्टेप बोलते हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, और ये मतलब पेपर टाइप की होती है तो इजीली ये फट जाती है, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये फेविक्रिल के एक्रेलिक पेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, काफ़ी पतले होते हैं, अगर आप यूज़ करोगे तो जल्दी सूख जाते हैं, बट जो मैंने अभी ट्यूब वाले खरीदे हैं उनको वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और इसी तरह से दोस्तों ये मैं दिखाना चाहूँगा डॉम्स के मेरे पास ये 24 शेड्स के एक्वा जो कि वाटर बीन में मैं मिक्स करके यूज़ कर सकता हूँ, ये वाले कलर पेन्स हैं। और डॉम्स के मेरे पास ये छोटे वाले 25 rupees वाले केक्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अभी मैंने पिडिलाइट की ये मोल्डिट खरीदी थी, एक्चुअली मैंने इनका भी कोई DIY नहीं करा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इनसे मैं बनाकर देखता हूँ कि कैसा बनता है, क्योंकि मैंने कभी पहले यूज़ नहीं करे, बट मैंने बहुत सारे शॉर्ट YouTube पर देखे हैं, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई यूजिंग इट।
इसके अलावा दोस्तों मेरे पास ये डॉम्स के पोस्टर कलर है। पोस्टर कलर थोड़े अलग होते हैं, ये काफी थिक और काफी ब्राइट होते हैं, और इनके अंदर जैसे वाटर कलर में अगर आप पानी यूज करोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, बट ये काफी थिक होते हैं, तो इनका एक अलग ही इनका ड्रॉइंग स्टाइल अलग होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये मेरे सारे पुराने एक्रेलिक पेंट्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा बट मैं एक एक नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पुराने पेंसिल्स और ये वाइट जेल पेन और बहुत सारे अलग अलग पेन्स है, पुरानी पेंसिल्स है, ये मैच स्टिक आर्ट वर्क अभी मैंने रिसेंटली थोड़े टाइम पहले किया था जिसके अभी रिसेंटली 1 मिलियन व्यूज हुए हैं हनुमान जी का, तो ये मैंने बनाया था। इसी तरह से दोस्तों मैंने ये भी बनाया था जिसमें मैंने भगवान जी शिव भगवान जी की आर्ट वर्क बनाई थी, तो ये सब आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। और इसी तरह से ये मैंने बनाए थे, इनमें मैंने हनुमान वो गणेश जी बनाए थे, ये सबसे पहले वाली थी जिनमें मैंने गणेश जी बनाए थे, तो इसको भी बहुत प्यार मिला था इन सब शॉर्ट्स को, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे ओल्ड शॉर्ट्स के अंदर। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।